देश से कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है। देश के प्रधानमंत्री पंजाब सरकार इस तो चिंतित है और आज पंजाब के मुख्यमंत्री जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मीटिंग भी कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग हो रही है। आज समाणा के देख रहे हो एक महिला मलकाना पत्ती की जिसकी उम्र 50 साल थी, सीतो देवी जिसकी कोरोना महामारी नाल मौत हुई है, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन लोग अजे भी लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार की हिदायत सेहत विभाग बार बार समझाने के बावजूद पुलिस प्रशासन 24 घंटे लगे भी लोग समझ जाने इस बीमारी तो जो कोविड के नियम है सेहत विभाग की जी पालना है उसकी पालना की जाए ताकि असं सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिए। समाणा शहर से 31 लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना महामारी तक, हूँ तक जो पिछले साल तो लेकर मार्च है 31 लोगों की मौत हुई है, जिस करके लोग चिंतित है। असं भी अपील करते हैं भी कोरोना महामारी को देखते हुए लोग सेहत विभाग के नियमों की पालना कर। बस कल ही माड़ी जी ढिली हुई थी, बस माड़ी छाती साह की प्रॉब्लम आ रही, छाती जब्त हो रही। किन्ना दी जी? 50 साल जी। मलकाना पत्ती कली तकलीफ हुई है तो डेथ कितने बजे हुई रात? कल हुई डेथ ये 2:30 बजे। 2:30 बजे दिन से? हाँ जी। केड़ी हॉस्पिटल गए थे? रजिंद्रा जी। नहीं, बड़ी दुखदाई गल है कि पिछले साल इस तारीख नूं ही पंजाब दे विच कोरोना शुरू होया सी और 22 मार्च नूं पंजाब सरकार वल्लों लॉकडाउन लाना पिया, टोटल लॉकडाउन लाना पिया और 1 साल दे पीरियड दौरान तकरीबन 34-35 जो कोरोना पेशेंट की डैथ हुई समाणे दे विच, ते बड़ी दुखदाई घटना है। वह तो हुण पिछले 3 महीने तो बड़ा शांत सी कि इत्थे शमशान घाट दे विच कोई कोरोना डेड बॉडी संस्कार वास्ते नहीं आई, परंतु अज बड़ा मन दुखी है कि 3 महीने बाद फिर कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिता है। मलकाना पत्ती तो एक लेडी जो राती बीमार हुई रजिंद्रा हॉस्पिटल च लैके गए जिथे उहदी कोरोना पॉजिटिव आया और डैथ हो गई, उहदा संस्कार हुण इत्थे हो रहा है। मैं स्वर्ग धाम सती मंदिर दे सेवादार होने के नाते सारे शहर वासियों नूं बेनती करदा कि सैनिटाइजर का यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इकट्ठ दे विच ना आओ, बड़े जो सरकार दीआं हदायतां ने उहदा पालना करो। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਮਲਕਾਨਾ ਪੱਤੀ 'ਚ ਜੀਤੋ ਦੇਵੀ ਜਿਹਦੀ ਏਜ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਕਨਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ ਜੀਤੋ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਮਲਕਾਣਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਸਥ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਲਸਨ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।